जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर का मांडो आज आपके लिए कुछ नई चीज लेकर आया जो आपको भर्ती में बहुत काम आने वाली है। अभी दोस्तों बहुत सारे एसएससी में पास हो चुके हैं स्टूडेंट और उनका फिजिकल होने वाला है 13 तारीख से स्टार्ट, 13 अगस्त से उनका फिजिकल स्टार्ट है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग जब एसएससी का फिजिकल देने जाते हैं तो उससे एक दिन पहले नाइट में आप क्या खाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है तो मेरा स्टेमिना सही बना रहेगा। एक दिन पहले हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे मॉर्निंग में हम या तो दौड़ नहीं पाते हैं, थकान हो जाती है, या पेट क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे हम रनिंग होते हुए भी हमारी रनिंग अगर टाइमिंग के अंदर आ रही 22 मिनट 23 मिनट में आ रही लेकिन फिर भी हम रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, तो मैं उस समस्या का समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो मेरी ये गारंटी है दोस्तों कि आपकी ये समस्या का समाधान जड़ से हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आपकी इस प्रॉब्लम के समाधान की ओर। तो दोस्तों जनरली ये चीज़ है, हम नाइट में जो खाना खाते हैं डेली रूटीन वाला खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी खाइए चल जाएगा। लेकिन जब आप भर्ती देने के लिए जा रहे हैं तब आपको इवनिंग में क्या खाना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से खाना है, कब खाना है, और मॉर्निंग में जब रनिंग करने जाते हैं तब क्या खाना है। तो सबसे पहले अपन शाम की बात करते हैं, जब आप भर्ती देने जा रहे हैं तो शाम को इवनिंग के टाइम में आप क्या खाएं। आप दोपहर में एक काम करें, जीरा होता है घर में आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ती चीज़ है, अवेलेबल है हर घर में, आपको जीरा मिल जाएगा। उस जीरे को आप शाम को इवनिंग में भिगो दोपहर में भिगो दीजिए, 3 बजे के आसपास उसको भिगो दीजिए, और शाम को आप जब खाना वाना खा लेते हैं 9 बजे 10 बजे के लगभग, तब उस जीरे को आप क्या करें, उस जीरे को पूरा पानी को निचोड़ दीजिए और निचोड़ने के बाद में उसको बढ़िया से सोने के टाइम पी लीजिए एक ग्लास। सुबह तक आपका पेट एकदम क्लियर होगा, आपकी पेट के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितना भी पुरानी कोई चीज़ें जमी हुई है वो सारी साफ़ हो जाएगी मॉर्निंग तक, तो आपको पूरा शरीर आपको हल्कापन महसूस होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपका पेट क्लियर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आती है, आप ऑयली चीज़ बिल्कुल ना खाएं उस दिन, ज़्यादा ऑयली चीज़ आप बिल्कुल यूज़ ना करें, हल्का सा हल्का डाइट लें। आप शाम के टाइम आप दलिया खा सकते हैं, दलिया की खिचड़ी खा सकते हैं, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आप पनीर, आप ज़्यादा घी, ये चीज़ें आप जिस दिन रनिंग होने वाली है उससे एक दिन पहले अगर रनिंग है आपकी तो आप इवनिंग में ना खाएं। उसके बाद आता है आप मॉर्निंग में क्या खाएं। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आप बढ़िया से एक बार जब उठते हैं बिना मुंह धोए सबसे पहले 2 गिलास पानी पी लीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा हल्का लाइट कुछ नाश्ता कर लीजिए, अगर आपको मौका मिल रहा है नाश्ता करने का तो हल्का फुल्का। नाश्ते में क्या लेना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा केले का यूज़ कर सकते हैं, आप 1 या 2 केला खा सकते हैं। 1 या 2 केला खाने से आपकी एनर्जी शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उससे आपको रनिंग करने में जल्दी थकावट नहीं लगेगी। दूसरी चीज़ आप ग्लूकोज का यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज मार्केट के अंदर उपलब्ध है, आप कोई सा भी ग्लूकोज ले लीजिए और उस ग्लूकोज को रनिंग से 1 घंटा या आधा घंटा पहले इस मार्जिन के बीच में आप पी लीजिए जिससे आपके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहेगी। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य आज यही था आप लोगों के साथ में रूबरू होने का कि हम तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती है लेकिन लास्ट में आके क्या करते हैं, हम शाम के टाइम अगर खाने का ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है और रनिंग में हम फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं दोस्तों आज आपको सारी ट्रिक बता दी है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इवनिंग में क्या खाना है, मॉर्निंग में क्या खाना है। इन चीज़ों के अलावा आप दूसरी चीज़ों को ना खाएं तो आप बेहतर तरीके से रनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ, जय हिंद जय भारत दोस्तों।